हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट प्रीवियस ईयर के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बिल्कुल पहली वीडियो से आके देख सकते हो। ऑलमोस्ट हम 240 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हैं, और हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि हेमाज एज इज 5 ईयर्स मोर देन ट्वाइस हरीज एज, सुरेश एज इज 13 ईयर्स लेस देन 10 टाइम्स हरीज एज। इफ सुरेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हेमा, हाउ ओल्ड इज हेमा। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हरी की एज, क्योंकि हरी दोनों में कॉमन है, तो हरी की एज जो है वो सपोज करो एक्स है, तो हेमा की एज कितनी हो जाएगी? हेमा की एज जो है वो है 5 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस, यानी कि 2x+5। सिमिलरली सुरेश की एज जो है वो है 13 ईयर्स लेस देन 10 टाइम्स, यानी कि हरी की एज के 10 गुना से 13 कम। और क्या बोला है कि सुरेश की एज जो है हेमा से 3 गुना ज्यादा है, यानी कि 10x-13 जो है वो 3 टाइम्स है हेमा की एज, यानी कि 2x+5। तो यह आ जाएगा 10x-13 इज इक्वल टू 3 × 6+15। ठीक है, तो 6 उधर गया तो 4x, 15 + 13 28, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हरी की एज कितनी आ गई? 7। हेमा की एज पूछी हमें, 7 × 2 14 + 5 19, और ये 70 - 13 57, तो हेमा की एज 19, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 an, वेर ए एन इज 1/n - 1/n+2 फॉर द इंटीजर एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1, 2, 3, 4 up to n, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी? 1/1 - 1/1+2, यानी कि 3। सेकेंड टर्म 1/2 - 1/4। सिमिलरली थर्ड टर्म 1/3 - 1/5। फोर्थ टर्म 1/4 - 1/6। ठीक है, सिमिल अगर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, इस तरह 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 और 1/2 बचेंगे, है ना। एंड लास्ट से देखेंगे, लास्ट से हम 47th टर्म से देखते हैं, तो 1/47 - 1/49, 48 1/48 - 1/50, 49th टर्म 1/49 - 1/51, लास्ट टर्म 1/50 - 1/52। ठीक है, यहाँ पे देखो 50 50 कैंसल, और 49 49 कैंसिल, 48 48 कैंसिल हो जाएगा, 47 भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे लास्ट ओनली 51 एंड 52। तो सम जो आएगा वो आएगा 1+1/2 - 1/51 - 1/52, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रूट सेलर सोल्ड ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स एट 12.5% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, ही वुड हैव मेड 10% गेन, व्हाट इज द लॉस ऑफ रुपीस इनकर्ड बाय द फ्रूट सेलर। अब देखो क्या है, फ्रूट सेलर जो है फ्रूट की बास्केट बेचता है 12.5% लॉस पे। अगर वो ₹108 ज्यादा में बेचता ना, अगर सेलिंग प्राइस ₹108 बढ़ा दे, तो वही उसका 10% गेन हो जाएगा। तो फिर उन्होंने पूछा लॉस कितना होगा। अब सपोज करो कि ये देखो, अब सपोज करो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे है एक्स, इससे अगर -12% पे बेचे तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है ऑब्वियसली। और ये पॉइंट है सेलिंग पॉइंट वन, ये है कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली अगर वो +108 कर दे, इसमें 108 कर दे प्लस, तो उसको 10% प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 108। तो अगर हम देखें ये पार्ट जो है, इतना पार्ट ये है एक्स का 12%, 12.5%, ये है एक्स का 10%। तो अगर देखा जाए इन दोनों में जो डिफरेंस है, 10 + 12.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 108, है ना। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, हम नॉर्मल तरीके से भी करेंगे, तो मतलब एक्स का 22.5% जो है वो है 108।
तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225, है ना। तो जीरो कट गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, तो 480, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब लॉस कितना है, लॉस लॉस है एक्स का 12.5%, तो 480 इंटू 125/1000, है ना, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 60, ठीक है। ये हो गया थोड़ा डायरेक्ट सा हो गया, अगर किसी को ना समझ आया तो बिल्कुल एक सीधा तरीके से करते हैं कि अब सपोज करो अगर कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले मैंने लिया एक्स, सेलिंग प्राइस वन क्या होगा जब वो लॉस पे बेच रहा है, तो होगा एक्स माइनस एक्स का कितना 12.5%, है ना, तो ये बनेगा एक्स माइनस 0.125 एक्स, यानी कि 0.875 एक्स, ये हो गया सेलिंग प्राइस अगर वो 12.5% लॉस पे बेच रहा है। यही अगर वो बोले कि 10% प्रॉफिट, कब होगा उसको, अगर 10% प्रॉफिट चेक कर लो एक बार, तो ये आ जाएगा 1.1 एक्स, है ना। तो उन्होंने देखो वो इतने प्राइस पे बेच रहा है, उसको लॉस हो रहा है, अगर वो इससे 108 रुपये ज्यादा पे बेचे तो इतने पे बेचेगा तब 10% प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाऊं तो 0.875 एक्स प्लस 108 इज इक्वल टू नया सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 480, ठीक है। तो आगे तो सिमिलरली है, तो अगर किसी को नहीं समझ आया हो तो ऐसे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला ईच ऑफ द लेटर्स अरेंज एज बिलो रिप्रेजेंट यूनिक इंटीजर फ्रॉम 1 to 9, है ना। लेटर्स आर पोजिशन इन फिगर सच दैट ए इंटू बी इंटू सी, बी इंटू जी इंटू ई एंड डी इंटू ई इंटू एफ आर इक्वल, विच इंटीजर अमंग द फॉलोइंग चॉइसिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाई ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमारे पास 7 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, तो 2 नंबर बीच में नहीं आएंगे, इन्होंने 1 पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, डिजिट लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू जी इंटू ई, है ना। तो यहाँ पे बी बी कैंसिल, हमारे पास आएगा ए इंटू सी इज इक्वल टू जी इंटू ई। सिमिलरली क्या बोला इन्होंने, बी इंटू जी इंटू ई इज इक्वल टू डी इंटू ई इंटू एफ, तो ई ई कैंसल, हमारे पास बनेगा बी इंटू जी इंटू डी इंटू एफ, ठीक है। अब दो ये दो इक्वेशन देखो, इसमें सारे डिजिट आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, आ गए। अब ये देखो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है कि वो एक साइड आ जाए, अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर उसे एक नंबर बना लें, वो नंबर बाकी किसी और दो डिजिट के मल्टीप्लाई से नहीं बने, है ना। तो अब सपोज करो जैसे 4 है, 4 लिया मैंने पहला ऑप्शन, अब देखो 4 इंटू अगर मैं 3 करूंगा क्या बना, 12, 12 देखो 6 इंटू 2 से बन सकता है, तो मतलब ये पॉसिबल है कि अगर 4 इंटू 2 इधर है, 4 इंटू 3 इधर है, इधर 6 इंटू 2 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, कुछ ना कुछ बन जाएगा। या फिर 4 इंटू 6, 6 24, 3 इंटू 8, है ना। 5 देखो मेन है 5, अब मैं अगर 5 इंटू 3 15 बना लूं, 15 कैसे भी नहीं बनेगा बाकी डिजिट्स को यूज करके, 5 का कोई भी मल्टीपल नहीं बनेगा, जैसे 5 इंटू 1 5 नहीं बनेगा, 5 इंटू 2 10 नहीं, हमें दूसरी तरफ भी 5 चाहिए तभी वो बनेगा, बट दूसरी तरफ 5 नहीं हो सकता बिकॉज सारे यूनिक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 5। सिमिलरली अगर 6 है तो 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो ये पॉसिबल है। एंड 9 देखो, 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 18, एक तो 5 हम यूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, एंड 7 भी नहीं कर सकते, देखो 7 इंटू 1 7 किसी तरीके से नहीं बनेगा, और 7 इंटू 2 14 भी नहीं बन रहा बाकी डिजिट को यूज करके, 7 इंटू 3 21, 9, 7 इंटू 4, तो बस, तो 5 और 7 ऐसे नंबर है दो,
और अगर हमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना, जरूरत नहीं है, यहां तक समझ आ गया, पेपर में हो जाएगा, बट फिर भी देखो, 1 into 2, 2 नहीं बनेगा, 1 into 3, 3 दोबारा किसी और डिजिट से नहीं बनेगा, 1 into 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 into 6 पॉसिबल है। देखो 1 into 6 को और कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 into 3 से, ठीक है, 1 into 7 नहीं हो सकता, 1 into 8 हो सकता है, 1 into 8 जो आएगा वो आएगा 2 into 4, ठीक है, 1 into 9 पॉसिबल नहीं है। अब 2 से लूं, 2 into 3 हमने कर लिया, 2 into 4 भी देख लिया, 2 into 5 का कुछ नहीं बनेगा, 10 और तरीके से नहीं बन सकता, 2 into 6 12, ये कर सकते हैं, 2 into 6 is equal to 12, 3 into 4, ठीक है, 2 into 7 पॉसिबल नहीं है, 2 into 8 16 पॉसिबल नहीं है, वो 4 into 4 आएगा, बट हमें यूनिक चाहिए, 2 into 9 पॉसिबल है, 18, वो 3 into 6, ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, 3 से स्टार्ट करें, 3 into 4 हो चुका है हमारा, 3 into 5 हो नहीं सकता, 3 into 6 हो चुका है, और 3 into 7 पॉसिबल नहीं है, 3 into 8 24, 4 into 6, ठीक है, 3 into 9 27 नहीं आएगा, 4 into 5 20 नहीं आएगा, 4 into 6 हो चुका है, 4 into 7 28 किसी भी तरीके से नहीं आएगा, और 4 into 8 32, 32 भी पॉसिबल नहीं है, तो आगे कुछ भी पॉसिबल नहीं आएगा, हमारे पास यही ऑप्शंस है। अब हमारे पास ये देखो, ये इक्वेशन ये वाली है, एक ये वाली है, हमारे पास 5 है, 5 में से कोई 2 उठानी है, तो हम देखो ये दोनों में ओनली जी कॉमन है, बाकी सारे अलग है, कोई भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट करूंगा, ओनली 1 डिजिट कॉमन आना चाहिए। तो देखो सपोज करो इसको मैं लेता हूं पहले, इन दोनों में देखो 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो नहीं बनेगा, इन दोनों को देखूंगा 2 कॉमन है 3 कॉमन है, कुछ नहीं बनेगा, इन दोनों को देखो 3 कॉमन है 2 कॉमन है, तो गलत है, इन दोनों को देखूंगा 3 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो ये इक्वेशन तो होएगी नहीं, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा, 1 into 8 2 into 4, इन दोनों में 2 और 4 कॉमन है, इन दोनों में 2 और एक मिनट, 1 2 3 4 5 नहीं है, हाँ ये दोनों बन रहे, देखो ठीक है, यहां से कॉमन क्या है 2, तो मतलब जी की वैल्यू तो 2 है ना, अगर जी की वैल्यू 2 है तो उसको ए इंटू सी कर लेते हैं, 1 और 8 है ना, और फिर जी इंटू ई, मतलब ये ए कर लिया मैंने, सी कर लिया, जी होगा, ई की वैल्यू होगी 4, ठीक है, यहाँ पे जी इंटू क्या है सेकंड क्वेश्चन में, जी इंटू बी, तो बी की वैल्यू होगी 9, और 3 into 6 ये हो गया डी और एफ, 3 6 ऐसे, ठीक है, तो ये देख लो, 9 into 8 72, 9 into 18 into 4 72, 3 into 4 12 into 6 72, ठीक है, 5 और 7 नहीं है इसमें, तो बस इतना भी समझ आ जाए अच्छी बात है, हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्राइस ऑफ वायर मेड ऑफ सुपर एलॉय मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, है ना, जो प्राइस है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्राइस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ स्क्वायर, P इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एल स्क्वायर। सेकेंड लाइन बोला है कि द प्राइस ऑफ 10 मीटर लेंथ ऑफ वायर इज 1600, तो प्राइस जो है 1600 है अगर 10 मीटर लेंथ है, तो यानी कि 100 ए ए इज इक्वल टू 16, ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द टोटल प्राइस ऑफ 2 वायर्स ऑफ लेंथ 4 एंड 6, 4 एंड 6 अलग अलग करना है, एक साथ ऐड मत कर देना, 4 मीटर वायर का प्राइस हो जाएगा 16 into 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 256 पी टू, 16 into 6 6 मीटर, 6 का स्क्वायर 36, 16 96 9 48 और इतना, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 6 6 12 7 12 13 8 2 7 8 832, है ना, टोटल हम क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जब लेंथ लीनियर, जो प्राइस है लीनियरली लीनियर हो, डिपेंडेंट हो उस पे लेंथ पे, जैसे 1 मीटर का 5 रुपए या 2 का 10 हो गया, 3 का 15 हो गया, तब तो हम कर सकते हैं कि 6 और 4 को मिला दो, बट यहाँ पे प्राइस जो है लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर आप 6 और 4 ऐड कर दोगे आएगा 10 16 into 10 का स्क्वायर, यानी कि 16 into 100 1600 आंसर आ जाएगा, वो जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंप्लीट इस वीडियो के, इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है वहां पे आप
इससे रिलेटेड या गेट एसिस की प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो, कोई नई चीज़ पता लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।